उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को प्रदेश के सभी जिलों के सीडीओ के साथ विकास कार्यों को लेकर लखनऊ के योजना भवन में समीक्षा बैठक की। इस दौरान राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम और ग्राम विकास विभाग के सभी उच्चाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश के अंदर जो भी विकास के कार्य चल रहे हैं उसको लेकर मुख्य विकास अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश में 826 विकास खंड है। प्रदेश के 100 विकास खंड है जो विकास की गति से पीछे छूट गए थे, उनको सरकार मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है। इसको लेकर के 4 सितंबर को यूपी के सभी बीडीओ के साथ सम्मेलन किया गया। अब स्मार्ट सिटी के साथ स्मार्ट विलेज के लिए हम काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी का जो ट्वीट है, वह ट्वीट उनको कम से कम ऐसे मामले में नहीं करना चाहिए था। अगर वह यह समझते हैं कि विपक्ष के लोगों को भ्रष्टाचार करें और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए सरकार या सरकार की कोई संस्था उसके लिए बाधित है, तो ऐसा नहीं है। अगर कहीं पर ये शिकायत मिलेगी कि कहीं अवैध रूप से कोई लेन देन हुआ है, कोई पैसे की धोखाधड़ी हुई है, कहीं पैसे का एकत्रीकरण हुआ है, तो ये आईटी विभाग के माध्यम से छापा डालने का उनका अधिकार है। और जब कोई एजेंसी अपना काम करे तो किसी राजनीतिक नेता को उसमें बयानबाजी करना, बाधा डालना, अड़चन पैदा करना और माहौल खराब करना या प्रयास नहीं करना चाहिए।